हेलो एंड वेलकम टू प्राइम एजुकेशन जयपुर राजस्थान भर्ती न्यूज 2020-21 स्पेशली फॉर 2021-2021। 1.28 लाख पदों पर भर्ती, राजस्थान में सरकारी भर्तियों की भारी बारिश। जी हाँ, राजस्थान में जो है गहलोत सरकार अपनी जो है सरकार का पहला पिटारा जो है खोलने की तैयारी में है और करीब 1.28 लाख पदों पर भर्ती की जानी है। 1.28 लाख पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके एक एक वैकेंसी के एक एक डिटेल जो अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स है और जो पेंडिंग जो एग्ज़ाम्स है, पेंडिंग जो वैकेंसी है, सबकी डिटेल्स इस वीडियो में मिली जो है आपको मिल जाएगी। और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपकी जो है हर एक वैकेंसीज की जो उत्सुकता है सभी वैकेंसीज के रिगार्डिंग वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा कोई भी ये पर्टिकुलर वीडियो नहीं है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, ये सभी डिपार्टमेंट के लिए हर वैकेंसी की इसके अंदर जानकारी दी जाएगी, जो पेंडिंग वैकेंसीज है, संभावित तिथियां, पोस्ट जो हैं और कितने पोस्ट किस डिपार्टमेंट में खाली है और जो अनाउंसड जो पोस्ट हैं उनकी भी क्या की जाएगी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, वो भी जेन्यून और ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल पर आज तक ऐसा कोई वीडियो नहीं है जो फेक हो या फिर जो है केवल व्यूज जो है गेन करने के लिए हो, तो आप चेक कर सकते हैं, ऐसा कोई भी जो है चैनल पर वीडियो नहीं मिलेगा आपको। सो हम डिस्कस करेंगे, मूव ऑन करेंगे और देखते हैं सभी जो है डिटेल्स सभी वैकेंसीज की जो अपकमिंग जो है टाइम के अंदर जो है आने वाली है। पदों का विवरण, कौन सी वैकेंसी में कितनी पोस्ट है विभागवार डिपार्टमेंट वाइज की, किस डिपार्टमेंट में कौन सी वैकेंसी जो है पेंडिंग है और कितनी जो है किस वैकेंसी की जो अभ्यर्थना है वो किस डिपार्टमेंट में पेंडिंग है और कितना टाइम उसके अंदर लग सकता है और कब तक जो है वो विज्ञापन या विज्ञप्ति जो है जारी हो सकती है, और जो पोस्ट जो है उसका भी हम क्या करेंगे डिटेल्स वाइज स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर सबसे पहला डिपार्टमेंट अपने पास आता है एजुकेशन डिपार्टमेंट का। सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है ये वैकेंट है एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। शिक्षा विभाग के अंदर बहुत ज़्यादा वैकेंसी जो है वैकेंट है और जो राजस्थान गवर्नमेंट है गहलोत सरकार जो है इसको फिल करने के लिए भी जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई है। एजुकेशन डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग की भर्तियों के बारे में देखते हैं कितनी पोस्ट है। पदों की संख्या मूव ऑन करेंगे। शिक्षा विभाग में पदों की संख्या देखिए, टोटल जो पोस्ट हैं शिक्षा विभाग में 65,600 पोस्ट जो हैं अभी भरी जानी है, इनकी घोषणा हो रखी है। 65,600 पोस्ट हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, इनकी घोषणा हो रखी है ऑलरेडी, और करीबन 70,000 से भी ज़्यादा पोस्ट हैं जो प्रेजेंट में वैकेंट हैं, लेकिन 65,600 की जो है अनाउंसमेंट हो रखा है इन पोस्ट का। शिक्षा विभाग में जो कुल 62,600 जो पोस्ट हैं उन पर वैकेंसी डिक्लेयर हो रखी है, 62,600 वैकेंसी जिसके अंतर्गत बजट 2019 में घोषित भर्तियों की संख्या है 21,600। जो 19 का बजट था राजस्थान सरकार का उसमें घोषणा की थी 21,600 की। नेक्स्ट हम बात करें 62,600 के अंतर्गत, अगर हम बात करें बजट 2020 की, राजस्थान सरकार का जो बजट 2020 था इसके अंदर गवर्नमेंट ने गहलोत सरकार ने 41,000 जो है भर्तियों की घोषणा की थी शिक्षा विभाग में। 41,000 पोस्ट भरने की जो है बजट 2020 में घोषणा हो चुकी है। 2019 के अंदर 21,600 पदों की घोषणा की थी। इसके अलावा अगर हम कुल 62,600 पदों में से बात करें वर्तमान प्रक्रिया तीन जो भर्तियां हैं, व्याख्याता भर्ती 2020-21 3,000 पदों पर प्रस्तावित है, प्रक्रियाधीन है, पुरानी वाली वैकेंसी कंप्लीट होते ही नई वाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। 2021 के अंदर ये भर्ती कंप्लीट कर ली जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें तो 62,600 के अंदर ही जो है ये रीट भर्ती तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती जो है वर्तमान प्रक्रियाधीन है, 31,000 पदों पर भर्ती है, इसको बढ़ाकर 41,000 तक किया जाएगा। देन इसके बाद में अगर जो रिटायरमेंट वाला जो वैकेंट पोस्ट वाला जो सिस्टम अगर और अलाउ करेगा तो इसके अंदर 50,000 तक जा सकती है वैकेंसी। बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी वैकेंसी है रीट शिक्षक भर्ती, 31,000 पर वर्तमान प्रक्रियाधीन है और ये 41,000 तक जाएगी, 41,000 तक। तो दोनों की बात करें 31,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती रीट भर्ती और 3,000 व्याख्याताओं की भर्ती, ये 62,600 के अंदर शामिल है। इसके अलावा हम बात करें कि डिपार्टमेंट भर्ती है संस्कृत डिपार्टमेंट की अदर वैकेंट पोस्ट है। इसके अलावा सेकंड नंबर पर है गृह विभाग,
होम डिपार्टमेंट जो है इनमें पदों की संख्या है 5,000 जो ऑलरेडी अनाउंसड है और पेंडिंग है। 2021 में ये फिल्ड कर दी जाएगी, 2020 में इसका विज्ञापन जारी हो सकता है, बशर्ते पहले वाली वैकेंसीज कंप्लीट हो गई हो तब तक। नेक्स्ट है, अब देखते हैं गृह विभाग में कौन सी पोस्ट है 5,000 के अंदर कौन सी फिल करनी है। तो इसमें जो है 5,000 भरी जानी है नई पुलिस भर्ती के अंतर्गत, नई पुलिस भर्ती 2021 के तहत भरी जानी है 5,000 पोस्ट गृह विभाग के अंतर्गत। ये ऑलरेडी अनाउंस्ड वैकेंसी है जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है इसकी 2021 में जो है कंप्लीट हो जाएगी विद इन 1 ईयर, बिकॉज 11,000 11,000 पोस्ट जो है टोटल थी जिनमें दो स्टेज में पुलिस भर्ती की जानी थी। फर्स्ट स्टेज का जो है एग्जाम नवंबर में जो है डिक्लेयर कर दिया है। अभी 5,000 वैकेंसी जो और फिल करनी है तो ये 2021 में कंप्लीट की जाएगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करें, नेक्स्ट है सहकारिता विभाग। देखिए सहकारिता विभाग के अंदर पद है 1,000 पोस्ट है, 1,000 पोस्ट जो है 1,000 पदों पर ये भर्ती होगी और ऑलरेडी अनाउंसड है और मार्च 2021 तक ये भर्ती प्रक्रिया जो है पूरी करने का लक्ष्य है। इसका सितंबर या अक्टूबर फर्स्ट वीक में इसका जो है एडवर्टाइजमेंट जो है ये जो क्या कर दिया जाएगा, अनाउंस कर दिया जाएगा। तो इसमें 1,000 पोस्ट पर कॉरपोरेटिव डिपार्टमेंट में सहकारिता विभाग में जो है भर्ती कर दी जाएगी। और ऑलरेडी सीएम ने जो है ये निर्देश दिए हैं कि सहकारिता विभाग के अधिकारियों की जल्दी से जल्दी जो है 1,000 पोस्ट पदों पर जो है सहकारिता विभाग में भर्ती प्रारंभ करके मार्च 2021 तक इसको कंप्लीट कर लिया जाए। वैसे भी कॉरपोरेट डिपार्टमेंट की जो एग्जाम्स होती है काफ़ी फास्ट होती है, बैंक के एग्जाम की तरह काफ़ी फास्ट ये प्रोसेस जो है चलती है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे, नेक्स्ट है उच्च शिक्षा विभाग हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है इसके अंदर पदों की संख्या है 1,000, 1,000 पदों पर भर्ती होनी है उच्च शिक्षा विभाग में। और ये देख के सारे जो पोस्ट हैं ये कॉलेज लेक्चरर के पोस्ट हैं 1,000 जिनमें जो ये वैकेंसी पेंडिंग है ऑलरेडी अनाउंसड है। इसका जो है एडवर्टाइजमेंट सितंबर लास्ट में अक्टूबर फर्स्ट वीक में जो है डिक्लेयर हो जाएगा। ये इसका एडवर्टाइजमेंट आउट होने के ज़्यादातर चांस सितंबर में ही है क्योंकि इसकी ऑलरेडी जो है प्रोसेस लास्ट स्टेज में है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे, नेक्स्ट डिपार्टमेंट आता है स्थानीय स्वशासन विभाग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर 1,000 पदों पर भर्ती की जानी है। 1,000 पोस्ट है स्थानीय स्वशासन विभाग के अंतर्गत जो ऑलरेडी अनाउंसड है और ये वैकेंसी पेंडिंग है। ये 2021 में और जो है 100% इसको कंप्लीट किया जाएगा। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, नेक्स्ट अपने पास चिकित्सा विभाग मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर टोटल पोस्ट जो अनाउंसड है 5,000 वैकेंसी जो है अनाउंसड है ऑलरेडी, जिनके अंतर्गत टीचिंग पोस्ट भी है और नॉन टीचिंग पोस्ट भी है। मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर टोटल 5,000 पोस्ट है और 5,000 प्लस पोस्ट भी हो सकती है और ये वैकेंसी जो है पेंडिंग है और ऑलरेडी अनाउंसड है। जो इसकी प्रोसेस जो है थोड़ी स्लो चल रही है, अदरवाइज ये 2021 तक ये भी कंप्लीट कर ली जाएगी। नेक्स्ट अपने पास डिपार्टमेंट आता है सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग इसके अंतर्गत टोटल पोस्ट जो है भरी जानी है, टोटल वैकेंसी है 250 प्लस, मतलब 250 से अधिक इसके अंदर पोस्ट आएगी सामाजिक अधिकारिता व न्याय विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के अंतर्गत। और ये वैकेंसी भी 2021 में कंप्लीट करने का जो है टारगेट है गवर्नमेंट ने ले रखा है। काफ़ी जो है एक्टिव है ये वाला डिपार्टमेंट भी, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग भी। और अभी भास्कर में न्यूज भी पब्लिश हुई थी कि सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के रिक्त पदों को जल्द भरा जाए। नेक्स्ट अपने पास डिपार्टमेंट है महिला अधिकारिता विभाग। महिला अधिकारिता विभाग में पदों की संख्या है 300 प्लस, 300 से अधिक पद इसके अंतर अनाउंसड है ऑलरेडी घोषित भर्ती है ये। और महिला अधिकारिता विभाग के अंदर ये जो भर्ती है 2021 में कंप्लीट कर ली जाएगी और 2021 वाली भर्ती है क्योंकि ऑलरेडी अगर नेक्स्ट वीक में जो बजट आएगा उसके अंदर इनको क्या करना होता है वो भी रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए ये वैकेंसी जो है प्रोसीड करके 2021 में कम्प्लीट कर ली जाएगी। और जो है वेरियस पोस्ट इसके अंतर्गत हो सकती है, 300 से अधिक पोस्ट हैं महिला अधिकारिता विभाग के अंदर। नेक्स्ट जो भर्ती है ग्रामीण विकास विभाग, जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है ग्रामीण विकास विभाग है, इसके अंदर पदों की संख्या है 5,160, टोटल पोस्ट जो है अनाउंस्ड पोस्ट है 5,160। और ये वैकेंसी भी काफ़ी फास्ट प्रोसेसिंग में है और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव ये वाला डिपार्टमेंट भी है। इसके अंदर कुछ जो पोस्ट हैं इनकी वैकेंसी जो है 2020 के अंदर ही जो है
आउट की जा सकती है। 5,160 पोस्ट टोटल है जिनके अंदर ये वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की पद जो है वैकेंसी भी जिनकी जिसकी अभ्यर्थना है अधीनस्थ बोर्ड में पहुंच चुकी है, वो वैकेंसी काफ़ी जल्दी आउट हो जाएगी और 2020 के अंदर जो सॉरी 21 के अंदर वो कंप्लीट कर ली जाएगी। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, सबसे बड़ी जो ये वाला डिपार्टमेंट है अपने पास वन वन विभाग, इसके अंदर जो है काफ़ी टाइम से बहुत टाइम से जो वैकेंसी जो है पेंडिंग चल रही है, वैकेंट पोस्ट है। वन विभाग के अंतर्गत लगभग 1,500 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। राजस्थान सरकार का जो वन विभाग है ये 1,500 से अधिक पदों पर भर्ती करेगा, जिसके अंतर्गत वनपाल और वनरक्षक सहित अन्य पोस्ट भी इसके अंतर्गत शामिल है। दो के अलावा भी पोस्ट इसके अंतर्गत शामिल है और ये जो भर्ती है वही अधीनस्थ बोर्ड करवाएगा, राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड RSS भी, राजस्थान सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है जयपुर का वही इसको करवाता है। वन विभाग की वैकेंसी को 1,500 से ज़्यादा पदों पर वन विभाग में भर्ती ऑलरेडी अनाउंस्ड है। राजस्थान सरकार जो है जो इसको फिल करने के लिए प्रतिबद्ध है 2021 में, ये भी आपको देखने को मिली। नेक्स्ट है परिवहन विभाग, परिवहन विभाग में कुल पदों की संख्या है 1,104, ये वही वैकेंसी है मोटर वाहन उपनिरीक्षक वाली, जिसके अंदर ये RPSC में जो है पेज फंसा हुआ था नियमों में संशोधन का, तो ये भर्ती आपको जल्द देखने को मिलेगी क्योंकि इसके अंदर ये सार एक ही मैटर है मोटर वाहन उपनिरीक्षक वाला जो, और जो हाईली पोस्ट है वो इसके अंदर इंक्लूड है परिवहन विभाग के अंतर्गत, तो ये वैकेंसी आपको जल्द देखने को मिलेगी। राजस्थान सरकार का परिवहन विभाग 1,004 पदों पर भर्ती करेगा, ऑलरेडी अनाउंसड है। जल संसाधन विभाग की बात करें तो 2,000 पदों पर जो है ये भर्ती होनी है, टोटल पोस्ट है 2,000 जल संसाधन विभाग। सार्वजनिक निर्माण विभाग की जो बात करें तो PWD में जो है 1,500 पदों पर 2021 में जो है ये भर्ती कंप्लीट होगी। नेक्स्ट है अभियांत्रिकी विभाग जो है इंजीनियरिंग एंड जो PHED है पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अभियांत्रिकी विभाग, इसमें 14,000 वैकेंसी जो है डिक्लेयर हो रखी है, इस पर भर्ती होनी है। नेक्स्ट है कौशल जो विकास पर बात करें स्किल के अंदर तो 1,500 पदों पर ये भर्ती होगी। नेक्स्ट बात करें DOIT डिपार्टमेंट ऑफ IT डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में 800 पदों पर जो है ये भर्ती की जानी है, जिसके अंदर नई जो है सूचना सहायक की भर्ती भी शामिल है। नेक्स्ट है एनर्जी डिपार्टमेंट ऊर्जा विभाग के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी वैकेंसी है, 9,000 पदों पर जो है भर्ती की जाएगी, जिनमें से 1,500 और कुछ पदों पर जो है भर्ती 2020 में की जाएगी, शेष पदों पर 2021 में ये भर्ती पूरी की जाएगी। ऊर्जा विभाग में जिसमें टेक्निकल हेल्पर सहित LTC UTC स्टेनोग्राफर एंड अदर पोस्ट जो है ये इंक्लूड है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे,